हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं टेक फॉर ट्राइबल्स इनिशिएटिव के ऊपर। ये इनिशिएटिव आपके GS2 के पेपर का पार्ट है, दैट टॉक्स अबाउट स्कीम्स रिलेटेड टू वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। हम इस डिस्कशन में देखेंगे कि ट्राइफेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, राइट, इसकी फंक्शनिंग किस तरह से है। विल ऑल्सो डिस्कस स्कीम्स रिलेटेड टू इट, जैसे कि प्रधानमंत्री वनधन योजना, वनधन विकास केंद्रास, राइट। सो लेट्स डिस्कस। ट्राइफेड ने, जो कि है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, टेक फॉर ट्राइबल्स प्रोग्राम लॉन्च किया है इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के साथ। वो इंस्टीट्यूट जिनका देश भर में रैंकिंग बहुत अच्छे लेवल पे है, जैसे कि IIT कानपुर हो गया, राइट। तो अभी रिसेंटली ऐसे इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस वंधन बेनिफिशरीज को ESTP ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करेंगे। ESTP ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड राजस्थान के वंधन बेनिफिशरीज को दिया जाएगा। इस ESDP प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने लॉन्च किया था। इट इज़ टू मेक श्योर जो यूथ है, जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, जैसे कि SC ST वेमेन, डिफरेंटली एबल्ड, एक्स सर्विसमैन, BPL पर्सन्स, राइट, इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार किया जा सके, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, इनको एक एंटरप्रेन्योर की तरह चेंज किया जा सके, इनको भी एंटरप्रेन्योरियल कल्चर का पार्ट बनाया जा सके। सो राइट, दिस ट्राइफेड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड टेक फॉर ट्राइबल्स इनिशिएटिव, जिसके अंदर ESDP ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी वंधन बेनिफिशरीज को। तो दैट इज़ टेक फॉर ट्राइबल प्रोग्राम। इसके अंडर करीब 5 करोड़ ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, उनको IT या सॉफ्ट स्किल या प्रेजेंटेशन स्किल प्रोवाइड की जाएंगी, राइट। ये जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स होते हैं, प्रधानमंत्री वनधन योजना के अंडर ये आते हैं। इसके अंडर इनको कम से कम 30 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम या 6 हफ्ते या 120 सेशन दिए जाएंगे। इट इज़ टू मेक इंश्योर दैट वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केटेबल बना सकें, उनके प्रोडक्ट्स क्वालिटी सर्टिफिकेशन के साथ मार्केट किए जाएं। प्रधानमंत्री वंधन योजना, इस योजना के अंतर्गत ये इंश्योर किया जाता है कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं उनको इनकम डेवलपमेंट के लिए हेल्प किया जाए, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाए, उनकी इनकम को बढ़ावा दिया जाए, उनके जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनको प्रोसेस करके आगे वैल्यू एडिशन करके उनको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिससे कि उनकी इनकम बढ़े। फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कि बैम्बू हो गया, आपका ब्रशवुड हो गया, राइट, आपके बीड्स हो गए, और जैसे कि मेडिसिनल हर्ब्स हो गई, रूट्स हो गई, राइट। सो सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, इनको आगे प्रोसेस करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये इस चीज़ का ख्याल वंधन केंद्र रखते हैं। इसका स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरह से है, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्टर्स हैं, जो कि ट्राइबल्स हैं आपके, वो इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे SHGs के पास, हट बाजार्स के अंदर, एंड दिस विल गेट primarily processed by वंधन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो कि वंधन योजना के अंडर ट्राइबल बेनिफिशरीज हैं, वो इनको आगे प्रोसेस करेंगे। उससे आगे वंधन विकास केंद्रास में वो फर्दर एडवांस प्रोसेसिंग के अंडर जाएंगे, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बीड्स हैं या आपकी बैम्बू हैं तो उनकी आगे नेकलेसेस बने, राइट, बैम्बू का आगे फर्नीचर बना, राइट, फर्दर इनकी आगे पैकेजिंग करना, इसको लेबलिंग करना, इसकी क्वालिटी सर्टिफिकेशन करना, ये सब काम एडवांस लेवल का होगा, जो कि वंधन विकास केंद्र करेंगे। आगे जो ट्राइफेड है वो इन प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए हेल्प करेगा, वो इन प्रोडक्ट्स को सेलेबल बनाएगा, उनको आगे
प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि वो इसको सेल कर सकें, जैसे कि एग्जीबिशन लगाना, सेल का काम करना, राइट। ट्राइफेड की अपनी खुद की एक पोर्टल भी है जिसमें वो ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है जो कि ट्राइब्स ने बनाए हुए हैं। तो बेसिकली जो वंदन लेवल है, वंदन योजना है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कुछ डिफरेंट लेवल पे इम्प्लीमेंट करती है, जैसे कि नेशनल लेवल पे नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सेंट्रल लेवल पे वी हैव ट्राइफेड। स्टेट लेवल पे वी हैव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्कीम्स। यूनिट लेवल पे हमारे पास है वंदन विकास समूह, जिसमें कम से कम 30 मेंबर्स होंगे। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिनको कहा जाता है वंदन विकास समूह। वंदन केंद्र क्या हैं? ट्राइफेड ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर कम से कम 1200 वंदन विकास केंद्र एस्टैब्लिश किए हैं अक्रॉस द कंट्री। इसमें कम से कम 3.6 लाख ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर्स एंगेज्ड हैं। एक वंदन विकास केंद्र में 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में कम से कम 20 गैदरर्स होते हैं, ठीक है। तो एक बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बनती है छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू। वंदन विकास केंद्र इनिशिएटिव का बेसिक क्या है कि ये MFPs प्रोड्यूसिंग पीपल को, जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, उनको लाइवलीहुड डेवलपमेंट के लिए हेल्प कर सकें, राइट। उनकी वैल्यू एडिशन करके आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, राइट। एडवांस लेवल पे उनकी वैल्यू एडिशन करके आगे डिस्ट्रीब्यूट करें। जो भी नॉन, इससे एस्टिमेटेड है कि जो भी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो एक्सपेक्टेड इज़ टू राइज अबाउट 60%। जैसे कि ट्राइबल मेटल क्राफ्ट हो गया, टेक्सटाइल हो गई, पॉटरी हो गई, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, राइट। जो भी आर्टिशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको आगे प्रोसेस करके बेचा जाए। ट्राइफेड 1987 में इस्टेब्लिश किया गया था। इट कम्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसका हेड ऑफिस है दिल्ली में और 13 रीजनल ऑफिसेज हैं देश भर में। ट्राइफेड का इनिशिएटिव यही है कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, मार्केटिंग के लिए हेल्प करे टेक्सटाइल्स को, पॉटरी को, ट्राइबल पेंटिंग्स को, राइट। इससे इनकी जो पोर्शन ऑफ इनकम है वो इंक्रीज़ किया जाए। इसीलिए उनको जो प्रोडक्ट सेल करने की स्किल है वो प्रोवाइड करना ट्राइफेड का काम है। इसको मार्केटिंग करना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप को सेंसिटाइज करना कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें, ये काम सेल्फ हेल्प ट्राइफेड का है। ट्राइफेड ने अपनी खुद की पोर्टल लॉन्च की है tribesindia.com और ऑनलाइन मार्केटिंग जायंट्स सच एज स्नैपडील, अमेजोन, पेटीएम, फ्लिपकार्ट पे ये अपने मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट भी करता है प्रोडक्ट्स इसके थ्रू। अगर आप अमेजोन पर ट्राइफेड सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड प्रोडक्ट्स बाय दी ट्राइब्स। सो बेसिकली पर्सनल ओपिनियन मेरा यही है कि जो मार्केटिंग की लेवल पे इनको प्रेजेंटेशन स्किल्स प्रोवाइड करनी चाहिए, राइट। ये एक एग्जीबिशन की फ़ोटो है जहाँ पे वर्ली पेंटिंग्स दिखाई गई हैं। इन पेंटिंग्स को बहुत ही रफ फॉर्म में रखा गया है, राइट। उनको फ्रेम करके उनको अच्छे से प्रेजेंट किया जा सकता था, बट दे हैवेंट बीन दैट नॉलेजेबल अबाउट मार्केटिंग स्किल्स। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की पेंटिंग होती है। महाराष्ट्र की ट्राइब्स जो कि स्पेशली नॉर्थ सह्याद्री रीजन से बिलोंग करती हैं, वो ट्राइब्स वर्ली पेंटिंग करती हैं, ठीक है। 1970 से चलती आ रही है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो थीम है इसका, वो बेसिकली नेचर के अराउंड होता है। इस पेंटिंग में ग्रास लैंड शो किया गया है, ठीक है। एंड इसके अंदर राइस पेस्ट, गम, वाटर, बेसिकली बहुत ऑर्गेनिक पेंटिंग की तरह ये पेंटिंग को करते हैं। बैम्बू स्टिक को यूज़ करते हैं ब्रश के लिए। जिव्या सोमा माशे इज़ अ पर्सन हु इज़ वेल नोन फॉर हिज वर्ली पेंटिंग्स। उसके अंदर इन वर्ली पेंटिंग को पॉपुलर करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसीलिए इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। नेक्स्ट इज मधुमनी पेंटिंग्स। बहुत इंट्रिकेट काम है और इसको करने में बहुत टाइम लग जाता है इनको, राइट। मिथिला पेंटिंग, ये पेंटिंग कम से कम 4 महीने में कंप्लीट की गई है। बहुत बारीकी से काम किया जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो जो लेवल का पैसा डिज़र्व करते हैं वो उन्हें मिले, इसीलिए हम मार्केटिंग के लिए उनको हेल्प करना चाहते हैं। ऑल्सो दे फियर
कि अगर वो ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स खुद से डाल देंगे तो उससे उनकी जो पेंटिंग है उसको चुरा लिया जाएगा, उनको कॉपी कर लिया जाएगा. दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव दम सर्टिफिकेशन, टू गिव दम कॉपी राइट्स, सो दैट दे आर एबल टू मेक श्योर कि उनका पैसा उन्हीं को मिले. मिथिला पेंटिंग है जो कि मधुबनी पेंटिंग भी कहलाती है. ये बिहार रीजन से ओरिजिनेटेड है. इसमें जो भी ट्राइबल मोटिव्स हैं उनको बनाया जाता है. इसकी थीम बेसिकली इंडियन एपिक के अराउंड होती है, रामायण महाभारत के अराउंड होती है. इंडियन गॉड एंड गॉडनेसेस दिखाए जाते हैं इन पेंटिंग्स में. ठीक है, इसके अंदर बर्ड्स, एनिमल्स, मोटिव्स ऐसे भी यूज़ किए जाते हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं. इसके अंदर अगैन ऑर्गेनिक कलर्स यूज होते हैं, जैसे कि काउडंग सूट, ब्लू कलर फ्रॉम इंडिगो, वाइट कलर फ्रॉम राइस पाउडर, ऑरेंज फ्रॉम पलाश. सो बेसिकली ये बहुत ऑर्गेनिक पेंटिंग्स हैं. इनको बहुत बेसिक चीज़ों से प्रोड्यूस किया जाता है. बैम्बू वुड को ब्रश की तरह यूज़ किया जाता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो ट्राइबल के प्रोड्यूसर्स हैं, जो आर्टिशंस हैं, उनको उनके लेवल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हक मिले. तो इसी संदर्भ में ये सारी स्कीम लॉन्च की गई थी. आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो. सो प्लीज़ कमेंट इन दी सेक्शन बिलो कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं, एंड और किन टॉपिक्स पे आप चाहेंगे कि हम वीडियो कवर करें. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.